वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपको एक कामिनी कंचन इसे बोलती हूँ, इसी की फ्लावर प्लांट्स दिखाने जा रही हूँ। काफ़ी दिन से मेरे यहाँ खिल रहा है, देखिए काफ़ी सारे इसमें फ्लावर आ रहा है। इसकी जो सुगंध आ रही है इसको क्या कहना। देखिए इसकी फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं काफ़ी सारे। फ्रेंड्स यहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर रहा है 49 डिग्री टेम्परेचर में, और इतनी तेज़ हवा और पानी की शॉर्टेज से भी ये प्लांट्स टायर्ड हो रहा है। मुझे लग रहा है बहुत ही कम फ्लावर आ रहा है, और ऐसे में मैं कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दे पा रही हूँ। अगर मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूँ तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत इसमें जो जान है वो है इसके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप जानते हैं वो भी मैं दे रही हूँ। इसकी जो वेजिटेबल्स की पिल्स है और बनाना पिल्स और काफ़ी सारे ऐसे जो वेस्टेज होते हैं वही दे रही हूँ। देखे इसकी सुगंध से बहुत ही ज़्यादा हवा हो रहा है, और भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखे इधर काफ़ी सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं, ये देखे ये भी जैस्मिन है सदाबहार, ये भी काफ़ी दिन से मेरे यहाँ खिल रहा है विदाउट फर्टिलाइज़र, विदाउट इसमें कोई पेस्ट कंट्रोल भी नहीं करना पड़ रहा है। फिर भी देखिए पानी की शॉर्टेज है या फिर भी काफ़ी अच्छी तरह से प्लांट्स खिल रहा है। इतनी तेज़ हवा, और भी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स खिले रहे हैं सदाबहार। इसमें आपको कोई भी फर्टिलाइज़र देना नहीं पड़ेगा, पानी की बहुत ही कम इसमें देना पड़ रहा है। और एक चीज़ आपको दिखा रही हो फ्रेंड्स, ये पालक की सीड बन रहा है, कितनी अच्छी तरह से बन रहा है। देखे आप जब गार्डनिंग करेंगे तो सीड्स को आपको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वेदर में अगर आपका खुद का सीड्स हो और वो भी आपका इस टेम्परेचर में ग्रो हो रहा है, इसके मतलब ऐसे सीड आपको ज़रूरत है, ऐसे सीड लगाना ही चाहिए। क्योंकि बाज़ार से आप खरीदोगे तो ज़्यादातर हाइब्रिड ही मिलेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इतनी गर्मी हो के, इतनी तेज गर्मी इधर, हवा भी उधर। ये देखिए कितने सारे पालक हो रहा है समर में, इसमें आपको एक गुआवा प्लांट भी दिखा रही हूँ। ये भी तेज गर्मी में इसमें जो भी फ्लावर्स आ रहे थे फ्रूट बन पा रहे थे वो भी इतनी तेज गर्मियों में सभी झड़ चुके हैं। ये मेरी एप्पल प्लांट कितने बड़े हो चुके हैं देखे, यहाँ पे ज़्यादातर सदाबहार ही आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, ये जो गर्मियों में आपको मेरीगोल्ड दिखाई दे रहा है, ऐसे गर्मियों में ये कितनी अच्छी तरह से खिल रहा है आप देखे। इसे आप कटिंग करके आप विंटर के टाइम आप लगा सकते हैं, देखे ज़्यादा नए प्लांट्स मैं खरीद नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इतनी तेज गर्मियों में इसको सेव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे मेरे लिए। और भी एक प्लांट आपको दिखा रही हूँ, ये भी गर्मियों में सर्वाइव कर रहा है। ये है मेरी एक चंपा प्लांट्स,
ये देखे, इसकी जो आपको दिखा रही हूँ ये सभी जो ऑर्गेनिक मैटर से मैं इसको मल्चिंग किए थे, क्योंकि ज़्यादा गर्मियों में ये प्लांट्स जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये आप देखिए कितने ज़्यादा परतुले क्या है, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा तेज हवा हो गर्मी हो ये तो खिलते ही जाते हैं। इसमें भी कुछ अनार के प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी थोड़ी बहुत फ्लावर आ रहा है, फ्लावर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्रूट भी बन रहा है इसकी। और इसकी जो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए मेरी सब्जी भी बन रहा है, ये भिंडी है, काफ़ी सारे भिंडी लग रहा है, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ आपको सीड खुद बनाना चाहिए, क्योंकि इसी वेदर में अगर आप खुद सीड बनाएंगे तो ये सर्वाइव करते हैं। देखिए काफ़ी सारे भिंडी इसमें, बड़े बड़े भिंडी लग चुके हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स ये देखे ये मेलन बन रहा है, आज ही मैं इसकी जो पॉलिनेशन किए है, और मैं आपको स्पिनिच दिखा रही हूँ, ये देखे इसको मालाबार स्पिनिच बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, ये भी आपको फ्रेश मिल जाएंगे इस वेदर में। और ये है आप सभी जानते हो ड्रम स्टिक के प्लांट्स है ये सोजिना, मैं आपको वाटर एपल की जो प्लांट्स है मेरे पास वो दिखा रही हूँ, इतनी गर्मियों में जो भी फ्लावर्स इसके हो रहे थे सभी झड़ चुके हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल वेदर की प्लांट्स इतनी गर्मियों में तेज गर्मियों में ये नहीं फ्रूटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, और इसके लिए भी मैं कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दे पा रही, क्योंकि फर्टिलाइजर देने से प्लांट्स और भी सूख जाएंगे। यहाँ कुछ मेरी जो हाइबिस्कस है ये भी काफ़ी सारे इसमें फ्लावर हो रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स मेरी अनार बन रहे हैं, अभी इस वेदर में अनार के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ये देखिए ये हो रहा है छोटे छोटे अनार, पीछे भी और भी बन रहा है, तो मुझे लगता है इस वेदर में अनार बहुत अच्छी तरह से होते हैं, लेकिन अभी इसी मानसून के टाइम आप कटिंग इसके ले सकते हो, कोई भी प्लांट्स के आप कटिंग लेके आप बनाओ तो ये कटिंग चल जाएंगे। ये मेरी एक स्टार फ्रूट के प्लांट्स है, ट्रॉपिकल वेदर की प्लांट्स है ये, इसीलिए इसमें फ्रूट नहीं बन रहा है, ज़्यादातर फ्लावर आते आते झड़ते जा रहे हैं। फ्रेंड्स आज की जो वीडियो मैंने दिखा रही हूँ वो तो कोई स्पेशल वीडियो नहीं है, लेकिन मेरी जो प्लांट्स है जो भी सर्वाइव कर रहा है इतनी गर्मियों में तेज गर्मियों में, वही मैं दिखाना चाहती हूँ, ये बिल्कुल सेव है, मेरे लिए वही अच्छा है, चाहे फ्रूट दे और ना दे लेकिन इसकी ग्रीनरी बजाय रहे, यही
असली बात है।